साइबर सिटी गुरुग्राम में जाम और जलभराव की समस्या का जल्द ही समाधान होगा। आज राव नरबीर सिंह ने इसके रोड मैप की जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट से लेकर गुरुग्राम के घाटा पहुंचने में मात्र 30 मिनट लगेंगे। इस तरह के एलिवेटेड फ्लाईओवर गुरुग्राम में बनाए जाएंगे। दरअसल राव नरबीर सिंह आज अपने चुनावी दौरे के दौरान बादशाहपुर क्षेत्र की अनेकों हाई राइज सोसाइटी में पहुंचे और लोगों की समस्या को सुना। राव नरबीर सिंह ने कहा कि वह प्राथमिकता के साथ तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। काम किए लेकिन 19 में सरकार भाजपा की ना बन करके दो दलों की सरकार बनी, बीजेपी और जेजेपी की, और साझे के काम में जैसा काम चलता है, बहुत से आप पढ़े लिखे लोग आपको पता साझेदारी का काम कितना अच्छा चलता है। दो दलों की सरकार में तकरीबन महकमे जेजेपी के खाते में चले गए और हमारी सड़कों का भी आप हाल देखो, आज गुड़गांव कितना बदहाल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सड़कें नहीं, गड्ढों में सड़क गए, ऐसा हाल हो गया। आपको याद होगा 2016 में एक बार बहुत बारिश पड़ी, 125 mm बारिश तकरीबन हुई थी और हीरोंडा चौक पे पानी भर गया, नेशनल हाईवे उस समय 8 होता था तो नंबर 48 हो गया, तो 3 दिन तक जाम रहता था। इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी इसको, प्रधानमंत्री राजनाथ जिस टाइम होम मिनिस्टर होते थे उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कहा कि ये कैसे चलेगा प्रदेश, सारा देश जाम हो गया। रात को 11 बजे मैं गुरुदावा का टेलीफोन आया मुख्यमंत्री जी का कि राजस्थान इसका इंतजाम करो। मैं आज कहते जाता हूँ आपसे कि हमने उसका बादशाहपुर ड्रेन का इंतजाम किया, हिरोंडा चौक पर कितनी ही बारिश पड़ जाए गुड़गांव में उसका ऐसा इंतजाम किया, उस पर 2 बूंद आपको इकट्ठी नहीं मिलेगी। बादशाहपुर ड्रेन के नाम से इतना अच्छा हमने वो उसका सौंदर्यीकरण किया है, उस पर फुटपाथ बनाए हैं, उस पर पेड़ लगाए हैं, घूमने का साधन हजारों औरतें आदमी सुबह शाम घूमते हैं, तकरीबन 20 करोड़ रुपए उसके ऊपर हमने खर्च किया, 8 किलोमीटर लंबा वो है और एक भी पैसा सरकार से नहीं लगवाया, सब सब कंपनियों से मांग मांग के सीधे साथ फंड के तहत वो लगा रहे। रमणीक स्थल में आपको निमंत्रण देके जाता हूँ, एक बार घूमना जरूर उसको ऊपर। साथियों आज गुड़गांव में दो बूंद बारिश पड़ जाए गुड़गांव में 3-3 घंटा जाम रहता है। इस जाम का हमने SPR का हम नई ट्रेन बना रहे, 4-5 महीने में बन के तैयार हो जाएगी, इस इलाके का पानी उसके द्वारा निकल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा गुड़गांव है, उस साइड में इलाके में एक ऐसी सड़क को तोड़ के उसके नीचे नीचे पानी की व्यवस्था करेंगे कि भाई आधे घंटे में गुड़गांव नीट एंड क्लीन हो जाए, पानी रुके नहीं और गुड़गांव में पानी ना बरसे तब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हमें घंटा आधा घंटा पौड़ा घंटा हर चौक पर जाम लगा रहता है। 18-20 अंडरपास फ्लाईओवर हो गुड़गांव में, ऐसी व्यवस्था करेंगे और बहुत से काम गुड़गांव में।